हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। जानेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके गाइस, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी जोडियक साइन स्टार साइंस के लिए होने वाली है। ओके, तो जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कार्ड शफल करते हैं, आपको अपने पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना के रखना है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग होगी तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें, जो बातें आपके साथ मैच ना हो उनको जाने ही दीजिएगा, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब ये आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऊपर वाला जल्दी ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे और आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे। आप जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर उनको लेने आ जाएँ, वो दोनों नए से अपनी ज़िंदगी शुरू कर बहुत जल्दी से, ठीक है। चलिए, हमारे पास कार्ड आया है, सबसे पहले 7 of Wands। ओके, आर्कैंजल माइकल, आर्कैंजल मिशेल, आर्कैंजल गैब्रियल, आर्कैंजल यूरियल, आर्कैंजल चैंपियन, प्लीज हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, जजमेंट। गाइज, अगर आप में से कोई भी रो रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो प्लीज़ मत होइएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आप मुझे जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम भी, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे वहाँ पे जीमेल अकाउंट पे बात कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, गाइस आप में से किसी का अगर दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है या आप परेशान हैं तो प्लीज नॉर्मल हो जाइए, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। देखिए, आप में से किसी की एनर्जी कैच हुई है यहाँ पे 3 of Swords। इतना बोझ अपने दिल पे नहीं रखना चाहिए, मन को शांत रखिए, थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है गाइस। इतना परेशान मत होइए, रोइए मत, है ना। मान लीजिए अभी आपके लाइफ में पहले खुशियां थी, अब थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, पार्टनर से रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन वो टाइम भी तो था जब बातें होती थी, तो उन्हीं टाइम को याद कीजिए। नेगेटिव रो करके, परेशान होके, अकेले बैठ के, खाना छोड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आपकी खुद की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, फिर क्या होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा शांत रखिए मन को, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऊपर वाला कहेगा ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते हैं, मैं क्या करूँ इनके लिए, इसलिए ऊपर वाले पे तो भरोसा रखिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द हर्मिट, ओके। चलिए, बॉटम में, ओहो, आप फेक आईडी बना के अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो ये काम करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि आपके पार्टनर भी यही काम कर रहे हैं, तो उन्हें कर दीजिए ये काम कि वो आपको स्टॉक करें, क्योंकि वो अब आपके पास लौट कर आएंगे, इसलिए वो स्टॉक कर रहे हैं आपको। लेकिन आप इस काम से दूर रहिए, आपको उनको स्टॉक नहीं करना है। जो भी लोग यहाँ पे जब भी इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग फेक आईडी बना के अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके नेगेटिव होने का, आपके रोने का, कि आप फेक आईडी बना के अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे होते हैं। मत कीजिएगा, वो खुद कर रहे हैं आपको, तो आपका क्या काम बनता है पता है, आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं और अपनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स अपलोड करें, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डालें, इतने पॉजिटिव वीडियोस डालें कि आपके पार्टनर को ये फील हो जाए कि मैंने इसको छोड़ दिया और मैं इसके पास नहीं हूँ और ये अपनी ज़िंदगी में खुश है। आपको रोते हुए स्टेटस, रोते हुए कुछ भी फोटोग्राफ, नेगेटिव थॉट्स अपने सोशल मीडिया पे नहीं डालने हैं। जिसने भी डाले हैं वहाँ जाके या तो हाइड कर दीजिएगा या वहाँ से जाकर उन चीज़ों को डिलीट कीजिएगा। और क्या डालना है वहाँ पे, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फोटोग्राफ्स, हंसते हुए तैयार होते हुए फोटोग्राफ्स कि आपके पार्टनर में, और ऐसा हो कि मैं ये इसको अचानक से क्या हो गया, उनके दिल दिमाग में ये फीलिंग आनी चाहिए। समझ गए आप लोग, यही करना आपसे, ठीक है। स्टॉक क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर पता है, ये देखो,
सेवन ऑफ वैंड्स, क्योंकि वो आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी जान लगा देंगे, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए। आप अपने पार्टनर को जैसे ही ये दिखाएंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। ठीक है, सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाते हैं कि वो अब आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, पर्टिकुलर मुझे यहाँ कोई एक सिचुएशन, हाँ थोड़ी बहुत दिख रही हूँ मैं आपको आगे बता दूंगी, लेकिन आपके पार्टनर आराम से मेहनत कर रहे हैं, जम के मेहनत करेंगे। इस वक्त जितना दिल आपका दुखाया था ना, उतनी ही मेहनत करेंगे वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ जो कहते हैं ना, आपके साथ बात करके, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बात करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और जब वो हंसते होंगे तो कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता होगा, उनका ऑरा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, हालांकि अभी आप थोड़े से नेगेटिव हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी लाइफ देखी जाएगी ना, तो आप बहुत अच्छे, बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। हर कोई आके आपके साथ अपनी बात शेयर करता होगा, आप सभी को हील कर देते होंगे, और किसी की भी बात प्यार से ध्यान से सुनना, उसको समझा देना, इस तरीके के होंगे। यही सब चीज़ें आपके पार्टनर को, यही कर्म आपके आपके पार्टनर को वापस लेकर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, मतलब वो वापस ही सब शुरू करेंगे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे इस रिश्ते पे, और आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि सारी चीज़ों गॉड से बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो ना प्लीज़। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई क्वीन है, मतलब हो सकता है कोई मेल फिगर हो, और हो सकता है मुझे मदर भी है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई अब कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई कॉलीग भी हो सकता है जो उन्हें कंट्रोल करता है। वो नादानी में जाके उसे अपनी सारी बातें बता देते हैं और वो उन्हें गाइड करने लग जाती हैं। खासतौर पर यह मुझे मेल फिगर ज़्यादा दिख रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपके पार्टनर टाइम आने पे उसके इस कंट्रोल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक उनके ऑर्डर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फैमिली में से कोई हो, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो। एस ऑफ पेंटिकल्स फाइनली वो आके आपको थोड़े टाइम में कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट बहुत कुछ अच्छा बड़ा दिख रहा है मुझे। वो कमिटमेंट वो कब दे सकते हैं आपको पता है? थोड़ा और रोने दीजिए, परेशान होने दीजिए, क्योंकि अगर वो किसी थर्ड पार्टी में थे, जिस भी कंट्रोलिंग एनर्जी में थे, जो भी उनके लाइफ में था, उसके कंट्रोल से बाहर निकलेंगे, आपके बारे में उनके थॉट्स बदलेंगे, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे इस थर्ड पर्सन से, तब वो आकर आपको कमिटमेंट देंगे। समझ गए आप लोग? उस टाइम पे आके आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे, एक कदम उठा भी चुके हैं इस कंट्रोलिंग एनर्जी से, निकल चुके हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका दिल अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। क्योंकि अगर उनकी फैमिली कोई मेंबर था, वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, जितना दुख उन्होंने आपको दिया था, आपका दिल तोड़ दिया था, आपकी बात को नहीं समझा था, अब वो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ रहा है। यही रीज़न है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको आके ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। स्ट्रेंथ, आप दोनों के अंदर म्यूचुअल लव हो सकता है। इस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलने के लिए आपके पार्टनर में जितनी ताकत ऊपर वाला डाल सकता था सामने वाले के लिए डाल दी हुई है, अब आपके पार्टनर इस कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है उनकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर की, जिससे वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप ही के साथ अपनी पॉजिटिव लाइफ देखते हैं। यहाँ मैंने बताया था आपको कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में हील हो जाते हैं। जब भी वो अगर किसी तकलीफ परेशानी में होते होंगे, आपके पास आते होंगे, तो आप उनको हील कर देते होंगे अपनी पॉजिटिविटी से, अपने थॉट्स के साथ में। इसलिए अब आपके साथ बॉटम की एनर्जी शुरू करेंगे सारी चीज़ें नई से। ठीक है गाइस, हम लोग एनर्जी ओरिकल देख से भी देखेंगे कि और क्या चल रहा है भी आपके पार्टनर के दिल दिमाग में। ओके एंजल्स, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, तो नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। केयरिंग कनेक्शन, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो जल्दी ही आकर आपसे बात करेंगे, इस रिश्ते में शुरुआत करेंगे, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप मैरिड हैं तो उस टाइम पे आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, सुनते जाइएगा, फिर धीरे धीरे फ्लो में जब चीज़ें आती जाएँ, टाइम निकलता जाए, तब आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन इस वक्त आप कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा। और सिंगल हैं तो जब वो आपके पार्टनर आपके पास आएँ, आप थोड़ा टाइम दे लें उनको, तो फिर आप सिर्फ कमिटमेंट के लिए ही बात कीजिएगा। वैसे तो आपके पार्टनर कमिटमेंट देने ही आएंगे आपके पास, लेकिन आप इसी टॉपिक पे फिर बात कीजिएगा उनसे। मैन होल्डिंग ए कॉइन, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, नंबर 43, नंबर 14,
आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है। एनवी, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं नंबर 20 धार्मिक हो रहे हैं थोड़े से, मैन होल्डिंग हार्ट, ओके, हद से ज़्यादा ही मिस किया जा रहा है आपको। नंबर 45, हद से ज़्यादा आपके पार्टनर इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, वो इमोशनली फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपके आपके पार्टनर के उन्होंने हेयर कलर करवाया हो सकता है, कलर थोड़ा सा फेयर हो सकता है, गले में चेन पहनते हों, उसमें रिंग भी हो, और इस वक्त आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं आपको, इमोशनल हो रहे हैं, खोने से डर रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, वो जल्दी ही आके आपसे बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा ऐसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, ताकि यही चीज़ें मैनिफेस्ट हों, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ठीक है गाइस, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बहुत सारी केयर कीजिएगा, अपना सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, सब चीज़ें थोड़े टाइम पर आके बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।